यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मैं इस केस में आई विटनेस हूँ। आप लोग जाओ यहाँ से, हमें माफ करो। पर आप हार मानकर अपनी बेटी का अपमान कर रहे हैं। जी, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, सूरज प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर, खुश कर दूंगा तुझे, इन तीनों को छोड़। पर मेरे साथ ये एक ओपन एंड शट केस, अदालत का कीमती वक्त जाया करने और नारी सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा चलाया जाए। झूठे जज साहब, अखबारों की सुर्खियां ये चीख चीख कर बयां कर रही है जज साहब कि कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के समाज के लिए बदनुमा दाग है। कल की आई छोकरी तने पटकनी दे गई। देख सुन ले, मेरे पोते को और उसके साथियों को जमानत दिला। कुछ भी कर, कोई रास्ता निकाल। बस आप पुलिस को काबू में करो ताकि फैसला हमारे हक में आए। अगर मालती अपने बयान से मुकर जाती है तो ये केस एक ही पेशी में खारिज हो सकता है। मैंने मेरी बच्चियों को जिंदगी में किसी भी मुसीबत से भागना नहीं सिखाया है, हमेशा डटकर उनका सामना करना सिखाया है। तुम्हें तो अपने पंखों के बल को आजमाना है, बहुत ऊंची उड़ान लगानी है तुम्हें। तुम और तुम्हारा वो प्रोड्यूसर भगत चौधरी दोनों पिंप हो, यानी कि हमारी हरियाणा की भाषा में दल्ले हो। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो अदालत में होगी। कैसे बचाएगा करण को तू हमारे कुलदीपक को? एक रास्ता है, और ये भी एक धर्म युद्ध ही है। ये युद्ध है नारी के सम्मान के लिए, उसके हक के लिए। ये लड़ाई है पुरुषों की सत्ता प्रिय सोच के खिलाफ। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर जिन्होंने नारी के सम्मान की खातिर इस धर्मयुद्ध का आगाज किया है।